हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास ईए गेम्स में ये एरर आ रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं अपने विंडोज़ पीसी में से। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको चार स्टेप बताने वाला हूं, जिससे आप ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन, आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, ओके। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है DNS क्लाइंट। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर यहाँ पर रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास रीस्टार्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर टू, आपको कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करना है। विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप कीजिए कमेंट प्रॉम्प्ट। उसके बाद राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक और कमेंट टाइप करना है, इस तरीके से आपको टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर थ्री, आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, ओके। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए। आप जो भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फिर आपको यहां पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर। उसके बाद आपको यहां पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अल्टरनेट DNS सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कर ये ऑल सेटिंग्स को जो है आप क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर फोर, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कर यहाँ पर ये सारे बॉक्स में आपको चेक कर देना है। चेक कर यहाँ पर टाइम रेंज जो है आप ऑल टाइम सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्रोम को जो है क्लोज कीजिए। फिर आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप EA गेम्स ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।